हेलो, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने जूलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है, इंडियन फ्रेश वाटर फिशरीज़, उसमें हमने कवर कर लिया है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद हमारा आएगा इंडस रिवर सिस्टम। तो हम इंडस रिवर सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे। रिवर सिस्टम या इंडस रिवराइन भी बोल सकते हैं, इंडर रिवर, इंडस रिवर फिश हिंदी में इसको बोलेंगे, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जिसके नाम पे हमारा इंडिया का नाम हिंदू पड़ा है, इसकी हम बात करेंगे। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ काउंटेड काउंटेड टू बी, इसको हम काउंट करते हैं काउंटेड इन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। जो लॉन्गेस्ट रिवर हम पढ़ चुके हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी ब्रह्मपुत्रा के बारे में थी। जो लॉन्गेस्ट रिवर हम पढ़ चुके हैं उनके अंदर से, कुछ रिवरों के अंदर से इनका भी नाम आता है, इंडस का भी। तो इंडस भी बहुत लंबी रिवर है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, इंडस रिवर के बारे में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। इंडस रिवर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिनेशन प्लेस, कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट सबसे फर्स्ट। सेकंड, ये कितनी लॉन्ग है, ठीक है। थर्ड, कवर स्टेट। फोर्थ, इंडस ट्रिब्यूटरीज, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज रहेगी वो कितनी है। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे इसका कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया ऑफ इंडस, इंडस रिवर का जो कैचमेंट एरिया हम काउंट करेंगे उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इंडस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इंडस कहाँ से होकर कहाँ तक आती है और किन किन स्टेट्स को कवर करती है। कवर स्टेट हो गया, उसके बाद इसकी जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी रहेंगी, फिर कैचमेंट एरिया, फिर देखेंगे हम लास्ट में आ जाएगा फना ऑफ इंडस रिवर, तब जाके हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे इंडस रिवर के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलें हम आगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनेट। ओरिजिनेट जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इंडस रिवर। सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो इंडस रिवर नॉर्थन साइड में है, नॉर्थन साइड में। नॉर्थन साइड कौन सी हो जाएगी, इंडिया की जो नॉर्थन साइड है वहां पे रहेगी, तिब्बत की तरफ। तो तिब्बत की तरफ से ये ओरिजिनेट हो रही है, तिब्बत की तरफ से ओरिजिनेट हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रह्म सरोवर लेक। बहुत बड़ा लेक है, यहाँ से ही ओरिजिनेट हो रही है। और इसके ओरिजिनेशन प्लेस है, उस प्लेस को बोलते हैं बोखर चू, ठीक है, बोखर चू, जो कैलाश माउंट, कैलाश पर्वत के पास है, या कैलाश पर्वत के ऊपर कह सकते हैं। वहां से होकर आती है बोखर चू से, जहां से इसका ओरिजिनेशन प्लेस है। और ओरिजिनेट कहां से हो रही है, ब्रह्म सरोवर लेक, जो कैलाश है उसकी ऊंचाई 7614 किलोमीटर, सॉरी मीटर हाइट इसकी रहेगी, जहां पे भगवान शिव का निवास, कैलाश पर्वत पे बोलते हैं ना, यहां पे रहता है इसका भगवान शिव का निवास। तो बोखर चू के पास से ये ओरिजिनेट हो रही है। कौन सी रिवर ओरिजिनेट ऑफ इंडस रिवर, कहाँ से, बोखर चू के पास से ओरिजिनेट हो रही है। इसके अलावा
इसकी हम ट्रिब्यूटरीज जब पढ़ेंगे तो एक और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी यहीं से ब्रह्म सरोवर लेक से ही ओरिजिनेट हो रही है, जो तिब्बत के पास है। तिब्बत से होते हुए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये तिब्बत से स्टार्ट होती है, चाइना से, चाइना एंड तिब्बत से होते हुए ये बड़ी जो माउंट है हिमालयास, ठीक है, इनमें घुसती है, तिब्बतन वैली के अंदर घुस जाती है, फिर हमारे इंडिया के अंदर इंटर करती है। इंडिया के अंदर ये इंटर करती है J&K, ठीक है, J&K में इंटर के साथ साथ ये फिर जाती है पाकिस्तान। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये कुछ एक कंट्री को भी कवर कर रही है, जो ये रिवर है कुछ कंट्रीज को भी कवर कर रही है। कौन कौन सा हो गया वो, चाइना, तिब्बत, यहां पे आ जाएगा हमारा इंडिया और यहां पे आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, यहां पे हो जाएगा पाकिस्तान, और यहां से होती हुई ये जाके अरेबियन सी, मतलब अरब सागर के अंदर मिक्स हो जाती है, अरब सागर के पास चली जाती है। कहाँ से, तिब्बत से चली, तिब्बत, चाइना, चाइना से ओरिजिनेट है तिब्बत, तिब्बत से होती हुई इंडिया, इंडिया से पाक, और फिर अरब सागर के अंदर मिल जाती है। वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट हम जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडिया के अंदर उन्हीं की बात करेंगे, बहुत सारी हैं, ठीक है, याद करना मुश्किल हो जाएगा, बट हम जो पांच मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं की बात करेंगे, जिनमें से उनका हम कैचमेंट एरिया है वो इंक्लूड करेंगे, एंड जो टोटल कैचमेंट एरिया है उसको हम निकाल लेंगे सिंपली तरीके से। अब देखते हैं ये कितनी लॉन्ग है। इंडिया के अंदर अगर इस रिवर की हम बात करें तो इंडिया के अंदर, इन इंडिया, ये रहेगी 1114 किलोमीटर लॉन्ग, 1114 किलोमीटर लॉन्ग। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ किलोमीटर लॉन्ग, टोटल तो ये बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है, 2880, बट गंगा से छोटी, ठीक है, 2880 किलोमीटर लॉन्ग है टोटल, जिसमें से इंडिया के अंदर इतना पार्ट ही आता है, जिसमें से अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो 1114 किलोमीटर लॉन्ग ये इंडिया के अंदर आती है, इंडियन एरिया कवर करती है, इंडियन एरिया कवर करती है, इंडिया का एरिया कवर करती है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग बात है, हम फिशेस तो यूज कर सकते हैं बट हम इसका पूरा का पूरा पानी यूज नहीं कर सकते। हम फिशेस को यूज कर सकते हैं, जो इंडस रिवर है इसकी फिशेस को हम यूज कर सकते हैं, बट हम पूरा पानी इसका यूज नहीं करते, हम सिर्फ 20% वाटर का यूज कर सकते हैं। इंडिया इंडस रिवर का सिर्फ 20% वाटर को ही यूज करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करूं तो वो 80% वाटर का यूज करता है। मेनली ये रिवर पाकिस्तान के अंदर सिंचाई का काम करती है, इरिगेशन का, ठीक है, इरिगेशन का काम यही रिवर करती है पाकिस्तान के अंदर। यहां तक क्लियर है, एक समझौता हुआ था, इंडस रिवर का समझौता हुआ था, सिंधु समझौता जिसको बोला था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसमें कहा गया कि इंडिया सिर्फ 20% वाटर का यूज़ करेगा और 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो इंडिया बांध बना के उस 20% को यूज़ करता है और साथ के साथ वहाँ से फिशिंग भी करता है, साथ के साथ वहाँ से फिशिंग भी कर देता है। कई बार ऐसा होता है अगर वो 20 की जगह 15 यूज़ कर रहे हैं इंडिया वाले, तो पाकिस्तान वाले उनके ऊपर उल्टा केस ठोक देते हैं कि आपने 20 नहीं यूज़ किया, 15 क्यों यूज़ किया, ठीक है, इसका वो उल्टा बदला लेते हैं। तो बांध ऐसा स्ट्रोंग होना चाहिए कि 20 ही हो, 20% कौन इंडिया यूज़ करता है और 80%
पाकिस्तान, ये मेन नहीं रहेगा हमारे टॉपिक का, हमारा टॉपिक का मेन रहेगा फिशेज के बारे में। तो चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे है इसका कैचमेंट एरिया ऑफ इंडस रिवर। टोटल कैचमेंट एरिया की बात करें तो बहुत बड़ी रिवर है, इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया हो जाएगा, टोटल कैचमेंट एरिया कितना हो जाएगा, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने, बट ये रहेगा स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर इंडिया के अंदर हम बात करें, इंडियन कैचमेंट एरिया की बात करें, तो इंडियन कैचमेंट एरिया रहेगा 321,248 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रहेगा। आया इतना ध्यान में कि 11 लाख में से 11 लाख, 11.5 लाख या 11,65,000 बोल सकते हैं उसको, 11 लाख में से 3,20,000 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैचमेंट एरिया है, उसके अंदर से जो फिशेस कैच करने का एरिया है वो किसका रहेगा, इंडियन फिशरीज का रहेगा, इंडियन फिशरीज के लिए रहेगा। इसके अंदर काउंट कर लिया गया जो इंडस्ट्रीब्यूटरीज है उसका एरिया भी काउंट कर लिया गया है। तो इंडियन ट्रिब्यूटरीज, अब चलते हैं हम इंडियन ट्रिब्यूटरीज, मेनली इसमें से कौन सी कैट फिश ही कैच की जाती हैं उसकी हम आगे डिस्कस करेंगे, डिस्कशन आगे रहेगी। अब चलते हैं इंडस ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इंडस ट्रिब्यूटरीज मीन हेल्पिंग रिवर, इंडस की जो हेल्पिंग रिवर है। तो हेल्पिंग रिवर पांच है, आसान सी है, झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, पांच रिवर रहेगी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, कैसे भी याद कर लो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, याद करने के लिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सिर्फ पांच जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनको ही काउंट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ठीक है, तवी जिसको बोल देते हैं, इसके अलावा एक तवी भी है, तवी और रावी, ये दोनों ना रेनबो बनाती है, ठीक है, दोनों क्या करती हैं, ये रेनबो बनाती हैं, रेनबो कलरिंग है, बहुत ही सुंदर दिखती हैं, जो घाटी की तरफ का एरिया वो तो वैसे ही सुंदर नज़र आता है, और जो रिवर्स हैं कुछ रेनबो टाइप का बनाती हैं टेक्सचर, और एक ब्राउन कलर का होता है, जिसके कारण इनकी सुंदरता और भी इन नदियों के ऊपर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी पांच तो ये ट्रिब्यूटरीज हो ही गई, अब ये आती कहाँ से हैं, पांचों ट्रिब्यूटरीज कहाँ जाके मिलती हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले वो देखते हैं, इसके बाद आपको कवर स्टेट्स हैं वो भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं ब्रह्म सरोवर लेक, ब्रह्म सरोवर लेक ही बहुत छोटा बन गया, ब्रह्म सरोवर लेक, ठीक है, इस तरीके से ये होती हुई जे एंड के से होती हुई पाक के अंदर एंटर करके अरेबियन सी, नीचे का दिखाई दे रहा है, नहीं अरेबियन सी, ठीक है, समुद्र को ही ऊपर उठा दिया मैंने, अब दिखाई दे रहा है। तो अरेबियन सी के अंदर ये मिल जाती है, कहाँ से, ये मान लो ये इंडिया है, जे एंड के से। अब इसी ब्रह्म सरोवर लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज,
इसी ब्रह्म सरोवर लेक से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलुज। ये रिवर भी यहां से होती हुई यहां तक जाती है। यहां पे जाके एक मेन रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है जो इसकी मेन हेल्पिंग रिवर है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब रिवर इस चेनाब के अंदर मिल जाती है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, और यहीं से फिर ब्यास, रावी, झेलम ये भी मिल जाती है। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं, रावी, ब्यास, झेलम। मेन कौन सी रहेगी इसकी ट्रिब्यूटरीज? चेनाब, बाकी हेल्पिंग रिवर। अब इस ट्रिब्यूटरीज का जो कैचमेंट एरिया है वो भी इंक्लूड किया गया है। इन्हीं एरिया को इंक्लूड करके पूरा का पूरा क्या बोला गया है, 321,248 स्क्वायर किलोमीटर जो कैचमेंट एरिया वो बनाया गया है। सबसे ज़्यादा चेनाब का रहेगा। ठीक है, फिर झेलम का, सतलुज का एंड ब्यास और रावी। अब बात करते हैं ये कौन कौन से स्टेट से कवर होती है, कौन कौन से स्टेट को ये कवर करती है। मेन मेन जो स्टेट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो स्टेट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं है राजस्थान, यहाँ है पंजाब, यहीं है हरियाणा, यहाँ है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मेनली स्टेट तो हमें पता लग ही गई। अब थोड़ा हम नाम देख लेते हैं उन स्टेट का। पॉइंट वाइज करेंगे तो आसानी से हमें समझ आ जाता है। कवर स्टेट इन इंडिया, कवर कंट्रीज पूछ ले। कवर कंट्रीज के अंदर कौन कौन से लिख देंगे? कवर कंट्रीज के अंदर तिब्बत, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, चार कंट्रीज रहेंगे। कवर स्टेट है तो हम इंडिया के ही स्टेट लिखेंगे। कवर स्टेट में आ जाएगा सबसे पहले हमारा जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा हरियाणा। देखो ट्रिब्यूटरीज आ रही है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसके अलावा इन दोनों की जो राजधानी है मेन उसका भी नाम लिख दिया गया है, चंडीगढ़। ठीक है, इसके अंदर से भी ये होके आती है। तो हमने अभी तक कवर स्टेट, कैचमेंट एरिया सब चीज़ों की हमने बात कर ली है। अब आ जाएगा हमारा लास्ट टॉपिक जो मेनली रहता है जूलॉजी बेस के ऊपर और जो हमें लिखना भी होता है एग्ज़ाम के अंदर। इनमें से कोई भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो हमें ज़रूर लिखना होता है। तो हम चलते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। फना ऑफ फना ऑफ इंडस, इंडस के फौना की बात करेंगे। फना ऑफ इंडस, तो इंडस रिवर के अंदर मैमल्स फिश है वो भी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉल्फिन्स, जिसका नाम रहेगा प्लेटा निस्टा इंडस माइनर, इसका नाम रखा गया था। जो हजार स्पीसीज मिलती है ना डॉल्फिन की, उन डेंजर स्पीसीज में से ये एक थी, बट अब नहीं पाई जाती है, पहले पाई जाती थी। ठीक है, उनमें से एक थी और कुछ एक तो ट्रिब्यूटरीज के अंदर भी पाई जाती थी, बट अब नहीं है, पहले ये थी, कुछ एक ट्रिब्यूटरीज के अंदर भी पाई जाती थी। अब चलते हैं हम फिशेज के ऊपर। फिशेज को देखें तो कैटफिश, जितनी भी कैटफिश हैं सारी की सारी इसके अंदर पाई जाएंगी, और इंडस रिवराइन फिश जिसको हम बोल देते हैं वो भी इसके अंदर मिलती है।
फिशेस को देखें तो मेनली फिशेस किस कौन सी रहेंगे इसके अंदर, जितनी भी कैट फिश हैं आपको याद हैं उनका आप नाम लिख सकते हो। कैट फिश कौन सी होती हैं, जिनके अंदर, जिनके माउथ ऐसे थोड़ा सा फिशेस का माउथ रहेगा, यहाँ पे आंख बना दो, तो इस तरीके के कुछ जैसे बिल्ली के अंदर होते हैं ना, कैट के अंदर मूछें होती हैं इस तरीके की, ये मूछें इनके अंदर भी मिलती हैं। इन्हीं फिशेस को हम क्या बोल देते हैं, कैट फिश बोल देते हैं। इन्हीं फिशेस को हम क्या बोल देते हैं, कैट फिश बोल देते हैं। तो सबसे पहले जूलॉजिकल नेम याद रखना है हमें फिश का। तो सबसे जो जीनस एंड स्पीसीज नेम, तो जीनस को याद रखने के लिए, जीनस को याद रखने के लिए मिस्टस, ठीक है, फिशेस का जीनस मिस्टस हो जाएगा, मिस्टस का मिस, मिस फिशेस के आगे भी मिस, ठीक है, मिस्टस का मिस याद करेंगे और मिस के बाद हम चलेंगे अलग अलग फिशेस के स्पीसीज याद करने के लिए, ठीक है। मिस्टिस, सिंघाला, एस छोटा लिखते हैं, ठीक है, मिस्टिस सिंघाला, मिस्टिस और, एक तो ये रहेगी मिस्टिस सिंघाला, मिस्टिस और, याद रखने के लिए मिस, मिस सिंघाला, मिस और, ठीक है। इसके अलावा एक मिलता जुलता नाम था वालगो और, ये भी मैंने इसी के अंदर लिख दिया। इसका जीनस एंड स्पीसीज नेम इकट्ठा ही है, वालगो और, मिलता जुलता था इसीलिए साथ लिखा गया है, ठीक है, मिस सिंघला, मिस और वालगो और, याद हो गया होगा, मिस सिंघला, मिस और इसके अलावा वालगो और। इसके बाद चलते हैं चना, ठीक है, इसको चन्ना, चन्ना बोलते हैं, चन्ना पंजाबी में भी यूज़ किया जाता है काफ़ी, सिंगरों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और चना एक खाने का अन्न बोल सकते हैं जिसको हम, वो होता है, तो चना से भी कई रहेंगे। चना क्या हो जाएगा हमारा जीनस नेम। अब चना से स्पीसीज, चना के साथ हमें स्पीसीज जोड़नी है कुछ कुछ, कौन कौन सी, पंक्टेटस, चना पंक्टेटस, पी छोटा रहेगा, अरे गलती पे गलती, चना पंक्टेटस। फिर आ जाएगा गछुआ, चना गछुआ, एंड इसके बाद चना स्ट्राइएटस, चना पंक्टेटस, चना गछुआ, चना स्ट्राइएटस, चना पंक्टेटस, चना गछुआ, चना स्ट्राइटस, हुआ इतना याद। मिस सिंघाला, मिस और वाल्गो और, ये तो याद हो गया होगा सिंपल, चना पंक्टेटस, चना गछुआ, चना स्ट्राइटस, फिश को याद करने के लिए, ठीक है, चना पंक्टेटस, चना गछुआ, चना स्ट्राइटस। अब चलते हैं आगे, जिनका जेनेटिक मीन जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम सेम रहता है, ऐसी स्पीसीज के ऊपर चलते हैं, जिनका जेनेटिक और स्पीसिक, जेनेटिक और स्पेसिक, जिनका जीनस और स्पीसीज दोनों का सेम सेम रहता है, ऐसी फिशेस के ऊपर चलते हैं। अलग अलग इसीलिए करवा रहा हूं ताकि ये याद हो जाए, हैं सारी कैटफिश। तो एक हो जाएगी बेनगेरियस, बेनगेरियस, ठीक है, बेनगेरियस, बेनगेरियस, फिर पेनगेरियस, पेनगेरियस, थर्ड वन इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा, सिलोनिया, बुक के अंदर लिखा हुआ है,
सिलोनिया, सिलोंदिया, ठीक है, सिलोनिया सिलोंदिया, और एक हो जाएगी रीटा, रीटा ये किसी लड़की के नाम के ऊपर है, ठीक है, रीटा रीटा, सिलोनिया सिलोंदिया, बेंगेरियस बेंगेरियस, पेंगेरियस पेंगेरियस, सिलोनिया सिलोंदिया, रीटा रीटा, ठीक है, सेम सेम स्पीसीज वाली ये हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ अलग भी हैं जिनका जीनस स्पीसीज नेम अलग अलग ही है, ऐसी भी हैं कुछ, तो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। अलग वाली हो जाएगी ओम्पोक, बीमा, कलेटस, फिर आ जाएगी कैलेरियस, बैटरेचस, साथ के साथ पिक्चर आपको दिखती जाएगी इनकी, जो भी फिशेज हैं जैसा भी नाम है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, उनकी पिक्चर भी आपको दिख जाएगी। एक हो जाएगी अनेबस, टेस्टू डिनस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना ठीक है या गलत, टेस्टू डिनस डिनस, जैसी भी है आप देख लेना स्पेलिंग ठीक है या गलत है। इसके अलावा यूट्रो, वडा, यूट्रोपिचाइस वडा, ये कुछ अलग फिशेज हैं, ये हो जाएंगी ओम्पक, बेमा कलेटस, कैलेरियस, बेट्रेचस, एनाबस और टेस्टुडिनस। याद करने के लिए एक या दो आप कर सकते हैं, यूट्रोपिचस और वडा, याद करने के लिए इसको वडा। ठीक है, अब चलते हैं पंजाब में। इसके अलावा एक कल्चर होता है फिशेज के अलावा भी, फिशेज की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं प्रॉन की। तो पंजाब में जो प्रॉन्स हैं मेनली, वो पंजाब में उनका एग कलेक्शन किया जाता है, प्रॉन कल्चर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉन कल्चर के बारे में, फ्रेश वाटर प्रॉन्स हैं, इनका कल्चर किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैक्रोब्रैंकियम रोसनबर्गी है, उसका कल्चर किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, उसके अलग अलग स्टेप्स होंगे। तो हमारी ये वीडियो थी आज की, यहीं तक। प्राण कल्चर एग कलेक्शन मेनली कहाँ पे किया जाता है, प्राण या एग का कलेक्शन मेनली पंजाब में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, एंड ऑल दी बेस्ट।